सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई बहुत अच्छे होंगे। मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि स्पेस क्या होता है, और कॉलोनी के अंदर जब चलाते हैं, अगल बगल गाड़ियाँ रहती हैं, तो कितना स्पेस से गाड़ी निकाल सकते हैं, आपको कैसे जजमेंट लगाना, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। और जो न्यू बिगनर्स हैं वो ज़रूर देखें ये वीडियो, जिससे उनको स्पेस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है न्यू बिगनर्स के लिए। तो मैं आज बिल्कुल ऐसे स्पेस बताऊंगा, बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें, लेफ्ट का स्पेस कैसे अपन को अंदाजा लगाना है और राइट का स्पेस कैसे अंदाजा लगाना है। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को मैं। अब ये हमारी कार खड़ी हुई है, इस तरफ भी कार है, इस तरफ गेट है। तो अपन को ये कार के बीच से निकालना है, तो कैसे अंदाजा लगेगा? अपन को लगता है कि बहुत छोटी जगह है और समझ नहीं आता है, ठीक है? तो अब देखो, ये मूर्ति है। अगर इस मूर्ति को उस कार के बिल्कुल राइट वाले बम्फर के पास अगर मैच कर रही है, मतलब अपनी गाड़ी का स्पेस सफिशिएंट है, निकल जाएगा, ठीक है? साइड मिरर से देख सकते हो कितना स्पेस है, यहाँ से भी देख सकते हैं कितना स्पेस है, ठीक है? और मूर्ति को मैच करना ज़रूरी है सामने वाली उसका, जो अगर ये हाफ मूर्ति अपनी किसी भी चीज़ से टकरा रही है, मतलब अपना स्पेस सफिशिएंट। अब मैं देखूँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है? आगे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, फर्स्ट गियर लगाया, हाफ क्लच से धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ा रहा हूँ। अब ये देखिएगा, ये मूर्ति अपनी गाड़ी से मैच कर रही है, देख रहे हैं आप ये। अब मैं आपको देखो उतर के भी बताऊंगा कितना स्पेस है, ठीक है? अभी यहाँ से तो मूर्ति मैच कर रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है? और अपनी गाड़ी का स्पेस दिखाऊंगा कितना हो रहा है, ठीक है? ये देख सकते हैं अपनी गाड़ी का स्पेस कितना है इस गाड़ी के पास से, और अपनी गाड़ी का स्पेस बताओ, अब निकल सकती गाड़ी आराम से कि नहीं निकल सकती? आराम से निकल सकती है, क्योंकि कितना स्पेस है इधर पे और इधर पे कितना स्पेस है, पूरी गाड़ी आराम से आ सकती है। बस यही डाउट रहता है लोगों का कि अपनी गाड़ी का स्पेस लेफ्ट तरफ का सबसे ज़्यादा जजमेंट लगाने में दिक्कत होती है, और मैं उस तरफ से भी बता सकता हूँ आपको कि कैसे निकालना है। ये देख सकते हो अपनी गाड़ी का, इधर से भी देख सकते हो गाड़ी का स्पेस है या नहीं, आराम से निकल सकती है, लेकिन अंदर बैठने के बाद समझ नहीं आता है कितना स्पेस है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ मैं कि मूर्ति को मैच करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी निकल सकती है। ये देखो अब मैच हो रही होगी, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गाड़ी, आपको देखते जाइएगा, ये गाड़ी बढ़ रही है आगे, अपनी मूर्ति मैच है पूरी, ये गाड़ी निकल रही है, ये निकल रही है गाड़ी। अभी भी दिखा सकता हूँ कितना स्पेस अपनी गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में, ये देख सकते हो गाड़ी का स्पेस कितना है अभी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ, ठीक है? अब मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाने के लिए भी ये ध्यान देना पड़ेगा अपन को, लेफ्ट कितना दूर से टर्न करना है, इस गाड़ी में टकराने नहीं चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़ाएंगे अपन, पर ये अपने बराबर गाड़ी आ गई, अब अपने बराबर गाड़ी आ गई, अगर अपने बराबर अपनी गाड़ी आगे निकाल सकते हो तो गाड़ी को आराम से टर्न कर सकते हो, ठीक है? तो मैं फिर से घुमा रहा हूँ अब लेफ्ट तरफ, ये घूम रही गाड़ी, देख सकते हो आप पूरी निकल रही गाड़ी को जी, और ये गाड़ी भी खड़ी है, दोनों तरफ देख सकते हो। इस तरीके से अपन लेफ्ट का जजमेंट लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? अभी दोनों गाड़ी के बीच से निकालना है, तो अपनी गाड़ी बड़ी लगती है, ऐसा लगता है ये गाड़ी उसमें टकरा जाएगी, ये गाड़ी इसमें टकरा जाएगी, क्योंकि देखो अपन दूर देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, लेकिन स्पेस इतना है, आप देख सकते हैं दोनों गाड़ी के बीच से, दोनों गाड़ी के बीच का स्पेस दिखाऊंगा मैं आपको। अगर ये गाड़ी देख रहा है, मूर्ति मैच की मैंने अपने लेफ्ट वाली गाड़ी से, मूर्ति को मैच किया, इस गाड़ी को अपन यहाँ से देख सकते हैं झांके की स्पेस है कि नहीं है, ठीक है? यहाँ का स्पेस अपन को बहुत जल्दी जजमेंट लग जाता है, लेफ्ट तरफ का स्पेस लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं, ये निकल गई हमसे गाड़ी, यहाँ का स्पेस भी देख सकते हो कितना ज़्यादा है, और इधर का स्पेस भी देख सकते हो कितना ज़्यादा है। इस तरीके से अपन को लेफ्ट तरफ का स्पेस लगाना बहुत ईजी है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि न्यू बिगनर्स जितने होते हैं उनको दिक्कत होती है लेफ्ट का जजमेंट लगाने में। थैंक यू सो मच।